Good morning, children. I am Anjana ma'am. We are back with our next biology class from our chapter number 1, Reproduction in Organisms, in our NCERT biology book. Please open to page number 10. Children, we had already discussed about the sexual method of reproduction. What are the different cyclic changes occurring in a plant and an animal body? How a season helps in the reproduction phenomena in an individual? What are the events which take place in sexual reproduction? We had talked about the three different terminologies, pre-fertilization, fertilization, and the post-fertilization events, which are given on page number 10. So children, आज हम पहले टॉपिक या पहले प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. दीज इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. वो सारे चेंजेस या वो सारे इवेंट्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, किससे पहले? फ्यूजन ऑफ गैमिट से पहले क्या क्या चेंजेस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन्हें हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं. द टू इम्पॉर्टेंट या मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमिटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर. प्लीज अंडरलाइन द वर्ड्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गैमिटोजेनेसिस 1.2.1. As you are already aware, gametogenesis refers to the process of formation of the two different gametes, viz. Male and female. Underline करें, gametogenesis क्या है? Gametogenesis, gametes form करने का जो पूरा process होता है किसी भी individual के reproductive system के अंदर, male and female reproductive system के अंदर, उसे हम gametogenesis कहते हैं. गैमिट्स आर हैप्लॉइड सेल्स. हैप्लॉइड सेल्स का मतलब होता है गैमिट्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉइड सेल या जाइगोट के कंपैरिजन में हाफ होते हैं. क्योंकि जाइगोट क्या है? जाइगोट है फ्यूजन ऑफ द टू डिफरेंट गैमिट्स. तो ऑब्वियसली बात है, जाइगोट सेल जो होगा वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि वो किससे बना है? दो हैप्लॉइड सेल्स के फ्यूजन से बना है, राइट? In some algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. कुछ algaes होती हैं काई, जो कि simplest unicellular plants हैं. इनके अंदर क्या होता है साहब कि gametes जो होते हैं वो इतने similar होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होते हैं, जहां पे हम उन दोनों गैमिट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सा गैमिट मेल है और कौन सा फीमेल है. फिगर ए. ऐसे गैमिट्स जो कि बिल्कुल सिमिलर होते हैं उन्हें हम होमोगैमिट्स या आइसोगैमिट्स कहते हैं. प्लीज स्विच ऑन टू पेज नंबर 11. द सिमिलर गैमिट्स आर कॉल्ड एज होमोगैमिट्स और आइसोगैमिट्स. फिगर 1.5A गिवन ऑन पेज नंबर 10. However, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of two morphologically distinct types, जिन्हें कि हम heterogametes कहते हैं. जैसे जैसे हम hierarchy में ऊपर बढ़ते हैं, as we switch on to from simplicity to complexity in these morphological structures of the organisms, we would see that the in higher animals and plants who are reproducing sexually, they produce the two morphologically distinct or different gametes, and such gametes are called as heterogametes. तो चिल्ड्रन, इज इट द डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन आइसोगैमिट एंड हेट्रोगैमिट? आइसोगैमिट या होमोगैमिट्स जो होते हैं वो उनमें दोनों गैमिट्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं. हेट्रोगैमिट्स आर द टू डिस्टिंक्ट गैमिट्स. मेल एंड फीमेल आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इन सच ऑर्गेनिजम्स द मेल गैमिट इज कॉल्ड द एंथ्रोजॉइड और स्पर्म एंड द फीमेल गैमिट इज कॉल्ड एज द एग और द ओवम. फिगर 1.5B एंड सी फिगर्स. हेट्रोगैमिट्स क्या है साहब? दोनों गैमिट्स, मेल और फीमेल गैमिट्स, दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. और ऐसे गैमिट्स जो हैं उनको हम
एंथेरोजॉइड या स्पर्म कह सकते हैं मेल गैमिट्स को, और फीमेल गैमिट का नाम होता है एग और दी ओवम सेल. एंड ऑल दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स, होमो गैमिट एंड हेट्रोगैमिट, आर क्लियरली गिवन ऑन योर फिगर 1.5 ऑन पेज नंबर 10. नाउ लेट्स स्विच ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स. नाउ व्हाट इज सेक्शुअलिटी? Sexual reproduction in organisms generally involves the fusion of gametes from two different individuals. Sexual reproduction क्या है? ये वो process है जो कि किसको involve करता है? Fusion of two different gametes को involve करता है, which are produced from two different individuals, male and the female. But this is not always true. ये हमेशा सही ट्रू नहीं है कि हमेशा टू डिफरेंट पेरेंट्स ही टू डिफरेंट तरह के गैमिट्स प्रोड्यूस करें. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और वो एक पेरेंट जो होता है वो एक ही तरह की प्रोजेनीज को प्रोड्यूस करता है. प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट बाइसेक्सुअल, फिगर 1.6 सी एन ई, राइट, विच इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 12. और ऑन डिफरेंट प्लांट्स यूनिसेक्सुअल, फिगर 1.60. अब देखिए, हमने दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल. कि कोई भी प्लांट जब बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को एक ही प्लांट प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे प्लांट को हम बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, बिकॉज बोथ द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द सेम प्लांट बॉडी. अगर यही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, तो उन प्लांट्स को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं. इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स, terms such as homothelic and monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothelic and dioecious are terms used to describe unisexual conditions. Please underline the terms. बहुत सारी फंगस हैं और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनको कि हम होमोथेलिक या मोनोशियस कहते हैं. होमोथेलिक या मोनोशियस क्यों कहते हैं? एंड आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन, एंड दी हेट्रोथेलिक एंड डाइशियस आर द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन. बाइसेक्सुअल प्लांट्स को हम होमोथेलिक या मोनोशियस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करते हैं, द सेम प्लांट इज प्रोड्यूसिंग. ऑन द अदर हैंड, द बाइसेक्सुअल कंडीशन एंड हेट्रोथेलिक एंड डायोशियस आर द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन. ऐसे प्लांट्स जो अपने ऊपर सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं, उन प्लांट्स को हम हेट्रोथेलिक या डायोशियस कहते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ चिल्ड्रन, द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज विच आर गिवन ऑन योर पेज नंबर 11, प्लीज लर्न दैम, बिकॉज दे मे बी आस्ड एज अ सिंपल वन मार्क क्वेश्चन इन द डेफिनेशन, और दे मे बी आस्ड इन योर एमसीक्यू क्वेश्चन ऑल्सो, राइट. इन फ्लावरिंग प्लांट्स, द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट, दैट इज बियरिंग स्टेमन्स, वाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट और बियरिंग पिस्टल्स. अब देखिए, जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा वो ऑब्वियसली बात है या तो मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा या फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा. अगर वो प्लांट खाली मेल फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है, तो उस प्लांट को हम स्टेमिनेट कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और मेल फ्लावर्स कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्टेमन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट. एंड इफ द प्लांट इज प्रोड्यूसिंग द फीमेल फ्लावर्स, देन सच प्लांट कैन बी कॉल्ड एज द पिस्टिलेट, बिकॉज सच प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग द फीमेल फ्लावर्स, और दे आर ओनली प्रोड्यूसिंग द एक्सेल और द ओवम और द फीमेल फ्लावर, और दे आर बेयरिंग ओनली पिस्टल्स. इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल मोनोशियस और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल डायोशियस. अब देखो, एक कंडीशन और आ गई. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक ही प्लांट जो है वो दोनों तरह के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है, मेल और फीमेल फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है, तो उस प्लांट को हम क्या कह सकते हैं? मोनोशियस कह सकते हैं. और ऐसे प्लांट्स जो कि डिफरेंट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल फ्लावर एक प्लांट पे है, फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट में, तो उसको हम डायोशियस भी कह सकते हैं.
Some examples of monoecious plants are cucurbits and coconuts, and of dioecious plants are papaya and date palm. Please underline the terms. ये examples underline कर लें. Monoecious plant का example कौन सा है? Cucurbits. Cucurbits का मतलब है cucurbitaceae family के members, खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी, तुरई, ये जिस family को belong करते हैं उस family को हम cucurbitaceae family कहते हैं और इन members को हम cucurbits भी कह सकते हैं. दूसरा example है monoecious plant का coconut. End of dioecious plant का example कौन सा है? Papaya and date palm, पपीता और खजूर. Name the type of gametes that are formed in staminate and pistillate flowers. Staminate flowers के अंदर ploidy आप बता सकते हैं gametes की क्या होगी? The gametes which are produced on the staminate and pistillate flowers are haploid. Because staminate flowers का मतलब है only male flowers and pistillate का मतलब है only the female flowers are produced. तो definitely उनके अंदर जो number of chromosomes होंगे that would be half. That is they are only producing a single type of gamete. तो ploidy of these flowers will be haploid. But what about animals? ये तो जो हमने पढ़ा children that was all related to the plants. Now what about the animals? Are individuals of all species either male or female are unisexual? सारे individuals जो होते हैं animals जो होते हैं वो क्या सारे females और males unisexual होते हैं? Or are there species which possess both the reproductive organs bisexual? Yes, in most of the animals, higher animals, the sexes are separate. That is, the males and the female animals are separate. But there are certain exceptions also. ऐसे animals भी हैं जो कि क्या हैं साहब? They are to having the both the types of reproductive organs. इसका example एक best example है earthworm, which has both male and the female reproductive organs in the same एनिमल. और ऐसे एनिमल्स को जिनके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हम उन्हें हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं. बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट. बाइसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट आर द सेम टर्म्स हैविंग द सेम मीनिंग. बाइसेक्सुअल मीन्स एन एनिमल विच पजेस बोथ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम बॉडी. हर्माफ्रोडाइट ऑल्सो हैज द सेम मीनिंग. आई होप इट मे बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कॉकरोच जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीशीज. यूनिसेक्सुअल स्पीशीज का मतलब क्या हो गया? कॉकरोच के अंदर मेल्स और फीमेल्स जो होते हैं दे आर टोटली डिफरेंट एनिमल बॉडीज विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th क्लास. सेल डिविजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. अब देखें साहब सेल डिविजन जो होता है वो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान कैसे होता है. गैमीट्स इन ऑल हेट्रोग्रेमेटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स नेमली मेल एंड फीमेल. गैमीट्स दो तरह के होते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट. मेल गैमीट को हम हायर एनिमल्स के अंदर स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट्स को हम क्या कहते हैं? ओवा या एक्सेल कहते हैं. गैमीट्स आर हैप्लॉइड थ्रू दो द पेरेंट बॉडी प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी ईदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड. गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं. इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस वेदर दे आर कमिंग फ्रॉम द डिप्लॉइड प्लांट बॉडी और एन हैप्लॉइड प्लांट बॉडी. क्लियर? यस. अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय माइटोटिक डिविजन. चिल्ड्रन हम लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस के बारे में 11th में पढ़ा था सेल डिविजन में. माइटोसिस क्या है? माइटोसिस वो प्रोसेस है जहां की सेल्स जो होती हैं दे प्रोड्यूस दे यंग वंस और द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द सिंपल मेथड ऑफ माइटोसिस सेल डिविजन वेयर द जेनेटिक मटीरियल इज नॉट डिवाइडेड इंटू हाफ. जेनेटिक मटेरियल हाफ में डिवाइड नहीं होता. तो एक ऐसा हैप्लॉइड पेरेंट जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा. किस तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा? हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा. कौन से सेल डिवीजन से करेगा? माइटोसिस सेल डिवीजन से करेगा. डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स दैट आर हैप्लॉइड? डेफिनेटली इट मे अराइज. Carefully examine the flow charts of life cycles of algae that you have studied in 11th and 12th. 11th class में हमने algae की life cycle के पढ़ा है. Gametophyte से sporophyte का बनना, sporophyte से वापस से gametophyte का बनना. तो that will give you a very suitable answer.
Several organisms belonging to monera, fungi, algae and bryophytes have haploid plant body, but in organisms belonging to pteridophytes, gymnosperms and angiosperms and most of the animals including human being, the parent body is diploid. It is obvious that meiosis, the reduction division has to occur if a diploid body has to produce haploid gametes. देखिए अगर हम human beings की बात करें और higher plants की बात करते हैं तो जो gametes produce होते हैं they are produced by the diploid cells. But how these diploid cells are undergoing the process of meiosis, किस तरह से gametes form होते हैं, gametogenesis का process क्या होता है, वो हम detail में पढ़ेंगे जब हम individual reproduction in angiosperms and reproduction in human beings के अंदर पढ़ेंगे. That we will take up in the further coming chapters. It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if a diploid body has to produce haploid gametes. Underline कर लो, obvious है, definite है कि reduction division हमेशा होगा जब कोई भी diploid animal body अगर haploid gametes produce करती है तो diploid का मतलब होता है 2x, 2x का x बनना half होना और half कौन से cell division से होगा, definitely it would take by the process of meiosis, right? In diploid organisms, specialized cells are called as the meiosites. Gamete mother cells कहलाती हैं, undergo meiosis. At the end of meiosis, only one set of chromosomes gets incorporated into each gamete. हम पढ़ चुके हैं, हमने human beings के बारे में पढ़ा था. Human beings के अंदर कितने chromosomes होते हैं? Human beings के अंदर 46 chromosomes होते हैं. Diploid cell होता है, it is 2N. Now this 2N diploid cell will undergo the process of meiosis. It will give rise to 23 plus 23. तो ये 2N से N बनना, haploid बनना, कौन से cell division के through बनना, meiosis के through बनना, इस process को हम क्या कहते हैं, gametogenesis कहते हैं. और ये जो 23, half the number of DNA from the parental cell जो बना, these are called as the haploid gametes. Now, on page number 13, table 1.1 is given to you. Please learn this table again for your MCQ part, right? आपको इसमें पता होना चाहिए कि human beings के अंदर diploid number of chromosomes 2N कितने हैं, gametes के अंदर कितने होंगे, housefly का number दे रखा है, dog का दे रखा है, fruit fly, so on and so forth is given. So children, can you tell me? Which diploid cell has the maximum number of chromosomes? Yes, obviously it is butterfly. Clear? अब हमने पहले पढ़ा, सिंपल सा बात करी हमने gametogenesis की. अब हम बात करेंगे गैमीट ट्रांसफर की. गैमीट ट्रांसफर क्या है? अगेन ऑन पेज नंबर 13. After their formation, their का मतलब है gametes formation के बाद में, male and female gametes must be physically brought together to facilitate fusion or fertilization. Obviously बात है, gametes अब एक बार बन गए तो अब उन gametes को fuse करने का कोई इस तरह का कोई process होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि ये gametes fuse करें and they can bring about the process of fertilization. That is, they can result into the formation of the diploid cell, which is called as the zygote or the fertilized egg. In a majority of organisms, male gamete is motile and the female gamete is stationary. Underline kar lo. Most of the organisms ke andar ya majority of organisms ke andar male gametes jo hote hain wo motile hote hain. Motile ka matlab hai they are mobile, they can move. Right? Whereas the female gamete is stationary, it is fixed to one place, it cannot move, or we can say that female gametes are non-motile. Clear? Exceptions are a few fungi and algae, underline karein, in which both types of gametes are motile. Algae and fungus ke andar, dono hi tarah ke jo gametes hain, male or female gametes hain, wo kya hote hain? Motile hote hain, that is they can move. Clear?
There is a need for a medium through which the male gametes move in several simple plants. अब देखिए, अगर मेल गैमेट मूव करता है और फीमेल गैमेट फिक्स्ड है या स्टेशनरी है, तो उस केस के अंदर मेल गैमेट के मूवमेंट के लिए कोई इस तरह का मीडियम होना चाहिए जिसके अंदर उसका गैमेट ट्रांसफर या उसका मूवमेंट जो है वो बहुत इजीली या आसानी से हो सके. अ लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स. टू कंपनसेट दिस loss of male gametes during transport, the number of male gametes produced is several thousand times the number of female gametes produced. Underline करो. अब देखिए, कुछ फंगस और एल्गी के अंदर हमने पढ़ा कि गैमिट्स जो होते हैं, दोनों तरह के गैमिट्स जो हैं वो मोटाइल हैं. अब इन गैमिट्स की मोबिलिटी के लिए, मोटिलिटी के लिए डेफिनेट सी बात है, अ मीडियम इज रिक्वायर्ड. एंड इन सिंपलेस्ट प्लांट्स के अंदर व्हाट कैन बी द कॉमनेस्ट मेथड ऑफ मीडियम विच विल हेल्प द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट? वाटर. यस. इन सेवरल प्लांट्स लाइक एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स वाटर इज द मीडियम through which these gametes transfer take place. As on में जब ऐसे plants के अंदर जहां पे कि दोनों gametes move कर सकते हैं, तो उन gametes के movement के लिए एक medium चाहिए, और इनके लिए सबसे best medium कौन सा है? सा water है. अब देखो, water के अंदर जब दोनों gametes move कर सकते हैं, तो there may be a condition arising कि in that case it is not a certainty that all the gametes would fuse with each other, that is the male and the female gametes would fuse with each other. तो ऐसे केस में क्या होता है? A large number of the male gametes, however, fail to reach the female gametes because it is the process which has very uncertainty. Uncertainty का मतलब है, जरूरी नहीं है कि जितने male और female gametes जो कि discharge किए गए हैं water as a medium के अंदर, वो सारे के सारे आपस में fuse हो जाएं. तो उस केस को या उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या होता है? A large number of gametes are produced, or the we can say a number of male gametes produced is several thousand times more as compared to the female gametes. क्योंकि भाई फ्यूजन कौन करेगा? मूवमेंट सबका फैसिलिटेट होगा, पर फ्यूजन जो होगा वो मेल गैमिट करेगा फीमेल से. तो ऑब्वियसली बात है, ऐसी कंडीशन से बचने के लिए जहां पे प्रोसेस है अनसर्टेनिटी प्रोसेस है, उस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मेल गैमिट्स प्रोड्यूस्ड इन दीज प्लांट्स इज मच मच लार्जर, मच मच मोर एज कंपेयर टू द फीमेल गैमिट्स प्रोड्यूस्ड. राइट. इन सीड प्लांट्स, उन प्लांट्स के अंदर क्या साहब? जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो बीज बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमिट्स एंड ओव्यूल हैज द एग. हम पढ़ेंगे आगे एंजियोस्पर्म्स के अंदर कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेल गैमिट्स हैं हायर एंजियोस्पर्म्स के अंदर, और इनके अंदर क्या होता है? मेल गैमिट्स हैं या मेल डीएनए है. अब ये मेल डीएनए या मेल गैमिट्स जो होंगे, डेफिनेटली दे हैव टू रीच द फीमेल एक्सेल और द फीमेल गैमिट. पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन एंथर्स देयरफॉर हैव टू बी transfer to the stigma, page number 14, to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization. तो साहब क्या होगा कि ये जो male gametes हैं ये कहाँ पहुंचेंगे? female gametes के अंदर पहुंचेंगे. तो obviously बात है, इनका transfer कहाँ होना चाहिए? हम 10th में पढ़ चुके हैं flower के अंदर कि pollen grains जो होते हैं they are dusted on the stigma of the फ्लावर पे डस्ट हो गए. और ये पोलन ग्रेन डस्ट होने के बाद में क्या करेंगे? अब इनमें से एक पोलन ग्रेन जो होगा वो स्टिग्मा को पेनिट्रेट करके साथ क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब बनाएगा, और इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होगा? मेल गैमिट होगा. एंड फाइनली दिस मेल गैमिट वुड एंटर इनटू द एम्ब्रियो एंड इट वुड फर्टिलाइज, सॉरी नॉट एम्ब्रियो, इट वुड एंटर इनटू द ओवरी. और ओवरी में एंटर होने के बाद में ये किसको फ्यूज करेगा? इट वुड फ्यूज द फीमेल गैमिट और द फीमेल एक्सेल. इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, एग्जाम्पल पीज, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली ईजियर एज एंथर्स एंड स्टिग्मास आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर. अब देखिए क्या होता है, कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर जो है वो एक ही प्लांट पे हैं या एक ही फ्लावर के अंदर हैं. तो ऐसे केस में जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर कैन बी ईजिली फैसिलिटेटेड बिकॉज बोथ द स्ट्रक्चर्स आर रिलेटिवली क्लोज टू each other. Pollen grains soon after they are shed
कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा. मैंने आप लोगों को बताया कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो किसी भी एजेंसी के थ्रू, चाहे विंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, उनके थ्रू दे आर ब्रॉट, दे आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड आफ्टर दैट डस्टेड ऑन द स्टिग्मा बट दे आर पेनिट्रेटिंग द स्टिग्मा एंड फाइनली इवेंचुअली दे आर फर्टिलाइजिंग द एक्सेल और द ओवा. बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स में क्या होता है, इंक्लूडिंग डायोशियस प्लांट्स, अ स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा. अब देखो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन अगर एक ही फ्लावर के अंदर जब दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं और अगर उन्हीं के अंदर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो डस्ट हो गए इजिली स्टिग्मा के ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे. सेल्फ पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जहां पे किसी भी एक्सटर्नल एजेंट का या एक्सटर्नल जो आपका कोई भी मैकेनिज्म है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. जबकि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज अ इवेंट अकरिंग इन दी bisexual flowers where the male and the female flowers are located on the different plants and therefore these pollen grains or male gametes have to be carried on to the stigma of the female flower through some external agents of pollination. They may be insects, they may be water, air, animals, whatever, right? Pollen grains germinate on the stigma and the pollen tubes carrying the male gametes reach the ovule and discharge male gametes near the axil. In dioecious animals, since male and female gametes are formed in different individuals, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer. Successful transfer and coming together of gametes is essential for the most critical event in sexual reproduction called the fertilization. Gametes ka successfully transfer hona, transfer hone ke baad mein dono gametes ka aapas mein close aana, fuse hona, ये सबसे एक असेंशियल एंड द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द एनिमल्स और द प्लांट्स हु आर प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली. सो चिल्ड्रन, टुडे वी हैव डन टिल द प्रोसेस ऑफ गैमेट ट्रांसफर. यहां पे हमने पॉलिनेशन क्या है, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, ठीक है, किन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है और कौन कौन से मीडियम्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर दी गैमीट ट्रांसफर ऐसे केसेस में जहां पे दोनों ही गैमीट्स मोबाइल हैं, मोटाइल हैं, मूव कर सकते हैं, तो उस केस में प्रोसेस जो है उसके फर्टिलाइजेशन के फ्यूजन को सर्टन करने के लिए कौन सा मीडियम रिक्वायर्ड है, हमने इन चीजों के बारे में पढ़ा. Tomorrow we are going to start with the next topic, that is the fertilization, on page number 14.